स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, योर स्टडी शुड सूट यू. आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करके फिर पढ़ना है. दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी. स्मार्ट स्टडी मीन्स अगर आप हैं, जैसे आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड अपने तरीके से पढ़ रहा है, जैसे डिफरेंस आपको जितना पता है आपके फ्रेंड को जितना पता है उसमें फर्क होगा. तो योर स्टडी शुड बी सूटेड टू यू. आपको कितना पता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी वन. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी वुड बी टू, आप जहां से भी अपना कवर कर रहे हो सिलेबस, तो डोंट रीड द सेम टॉपिक फॉर मल्टीपल सोर्सेज. अच्छे ट्रस्टेड सोर्सेज को आप फॉलो करो. एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी वुड बी टाइम मैनेजमेंट. हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम. एवरीवन हैज 24 आवर्स इन अ डे. अब आप उसमें से कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी. तो सारी डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड. If you follow these things, you'll be able to manage your time well, and also आपके पढ़ाई आपको suit करेगी, and that is called smart study. Interface एक बहुत important part है for this exam, and not just for this exam, generally भी. एक aware इंसान के लिए current affairs पता होना is important. आपको जैसे cover, जैसे मैंने करा था, एक तो newspaper reading is a must. आप The Hindu I would recommend, but any newspaper of your liking, आप इसको पढ़ना शुरू करो. आपको एक बहुत अच्छी broad general awareness create होगी if you read newspapers daily. That is one. Second, you can follow any one magazine which is dedicated for UPSC current affairs. तो वो prelims type questions के लिए आपको help कर सकती है. तो newspaper is a must and supplemented with a magazine. And you can also follow some good news channels like Rajya Sabha TV etc. And you can watch their videos and debates. Because मेरे पास time नहीं था, मैंने विपिन चंद्रा की पुरानी book पढ़ी, Spectrum. ज्योग्राफी के लिए गोचर लॉन्ग एंड बाकी ज्योग्राफी बुक्स, वही सब पढ़ा मैंने. एंड करंट अफेयर्स जो कवर हो रहे थे, सोशियोलॉजी एंड अदर डाइवर्सिटी वाले, वो सब. जो मेरी एक स्ट्रैटेजी रही, वो मैंने देखा कि एसे एंड एथिक्स आर टू पेपर्स, अगर मैं ढंग से इन पे फोकस डालूं तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है. बिकॉज ये ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, बट ये वो पेपर्स हैं विच इफ यू पुट इन सम एफर्ट, जो आई थिंक सम पीपल डोंट लाइटली, ऐसे लिखना ही तो है. लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ी इसमें अपना एफर्ट डालूंगी तो शायद मेरा अच्छा होगा, एंड दैट हैपेंड. तो एसे एंड एथिक्स पे मैंने स्पेशल फोकस दिया. जीएस 1, 2, 3 तो हो ही रहा था, बट एथिक्स के लिए मेरी मदर ने मेरे इन दोनों पेपर्स ने बहुत हेल्प करी है, एसे एंड एथिक्स. मैंने स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी फॉर दीज टू पेपर्स. वहां पर भी अपनी टेस्ट देती थी एंड अपनी मदर से भी अपना एक बारी करेक्ट करवाती थी. बिकॉज आई थिंक शी इज अ वेरी एथिकल पर्सन, और मुझे अच्छा लगता था इनकी व्यूज सुनना, कुछ डिफरेंट होता था. तो ऐसे एथिक्स में मैंने अपने मदर की हेल्प ली है. एंड विच इफ यू सी माई मार्क्स शीट, मेरे ऐसे में भी बहुत हाई मार्क्स आए हैं इवन इन एथिक्स कम्पेयर टू दिस ईयर रैंक मार्क्स इन एथिक्स. सो एथिक्स में मेरे 111 नंबर आए हैं इस बार, आई थिंक हाईएस्ट 115 गए. एक एथिक्स के लिए सबसे पहली चीज है कि कोई भी एक आप सोर्स ले लीजिए, वहां राजेंद्र नगर मार्केट में कोई भी एक बुक उठा के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए अपने एथिक्स के, ठीक है. और वो जो सिलेबस कवर एक बारी कर लो किसी भी बुक से, उसके बाद वो एवरी वर्ड इन द सिलेबस आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ. फॉर इंस्टेंस अगर वैल्यूज लिखी हैं ऑफ प्रोबिटी, वैल्यूज ऑफ एम्पथी, व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्म्स, इन वैल्यूज का आपके लिए क्या महत्व है, और उनके थोड़े थोड़े छोटे नोट्स कि आप इनको कैसे समझ रहे हैं वो. फिर सेकंड पार्ट ऑफ एथिक्स सिलेबस इज ऑफ केस स्टडीज, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो केस स्टडीज एज मेनी एज यू कैन सॉल्व, उनको सॉल्व करें. एंड जब आप सजेशंस दे रहे हैं तो ट्राई टू थिंक ऑफ सजेशंस जो एथिकल तो हो ही लेकिन प्रैक्टिकल भी हों.